अच्छा बताइए खाना कैसा बना है, क्योंकि डेली डेली आपको कुछ ना कुछ कमी नजर आ ही जाता है मेरे खाने में, बताइए आज क्या कमी है खाने में? डेली कमी नहीं आता, जिस दिन कमी आता है हम बोल देते हैं। यही तो आज कैसा आज ठीक है? चलिए आज खाना ठीक ठाक लगा। कभी कभी खराब होता है जब हम बोल देते हैं। खराब क्या मतलब, टेस्ट में भी होता है और टेस्ट में थोड़ा बहुत मतलब सब चीज तेल सब्जी में ज्यादा चाहिए, क्रंची क्रंची वाला सब्जी। और बच्चों को ग्रेवी वाला पसंद है, इनको भुजिया पसंद है, हर चीज का भुजिया इनको पसंद है। और ये लोग के चक्कर में हम फंस जाते हैं, बीच में कभी बच्चे का पसंद देखे या फिर इनका पसंद देखे, तो बस ऐसे ही चलते रहता है। आप रोज घी क्यों खाते हैं? हम रोज सोचते हैं कि आज आप घी नहीं मंगिएगा, आज घी नहीं लीजिएगा, लेकिन डेली का डेली मंग ही लेते हैं। हम चाहते हैं आप घी नहीं खाएं, पेट में चलते जा रहा है, क्यों खाते हैं डेली घी? तो कम से कम अपना अच्छी भी तो दिखेगा कि पेट पेट निकलते जा रहा है। Wow! गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 6:30 बज रहा है फ्रेंड्स, और आंचल चली गई है कैंप अपने स्कूल, और कल उसका फाइनल है, दूसरे स्कूल में जाएगी। और आयान सभी यहाँ पे रेडी हो रहा है, क्योंकि इसका तो गाड़ी आएगा तो जाएगा, और आंचल को चले गए उसके पापा स्कूल पहुँचाने के लिए। फ्रेंड्स फटाफट इसको रेडी करते हैं। हाय बोल रहा है, दो मतलब एक पनीर के पीस में दो रोटी, डेढ़ 1.5 रोटी खत्म, और पनीर बस, इससे तो बढ़िया यही है ना। हाँ नहीं नहीं क्रीम लगा दिए हैं, लगा दिए बेटा क्रीम, हो गया क्रीम लगा दिया, क्यों कर रहा है इस तरह? इसको क्रीम लगा दिए बोल रहा है, फिर से क्रीम लगाओ, मत लगा बेटा क्रीम लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये एक पनीर के पीस में इसका डेढ़ रोटी दो रोटी खत्म हो जाता है, तो इससे तो बढ़िया यही है, पनीर बनाना ही बेकार है, पैसा भी मेरा वेस्ट जाता है जब खाएगा ही नहीं बच्चा। जरा सा हाफ के जी ये लाए थे, उसमें से बस दोनों बच्चों के लिए अभी बनाए थे, फिर सोचे रात में बनाएंगे, उसी में से इसका एक पीस में इसका हो गया पूरा नाश्ता। इससे बढ़िया है कि प्याज का ग्रेवी बना के दे देंगे सिर्फ, बस इसका हो जाएगा खाना। एक दिन हम जरूर ट्राई करेंगे फ्रेंड्स, सिर्फ प्याज का ग्रेवी बना के दे देंगे, क्योंकि बस ग्रेवी में रोटी डुबाता है और खाता है, तो एक दिन सिर्फ प्याज का ग्रेवी बनाएंगे और रोटी देंगे, देखते हैं ये क्या करता है, क्योंकि पनीर तो खाता नहीं है, बस कटोरी में रखा हुआ है, इसी का जिद था पनीर ला। देखिए दोबारा से ये क्रीम लगा रहा है, देख रहे हैं फ्रेंड्स ये दोबारा से क्रीम लगा रहा है, इसके सामने ऐश्वर्या राय भी फेल। अगर इस तरीके से मेकअप करेगा तो इसके सामने ऐश्वर्या राय भी फेल। क्यों कर रहा है इतना मेकअप सेकअप, बोलो। उसी गोरे दिखने के लिए, वाह गोरे दिखने के लिए मेकअप कर रहा है इतना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आया जा चुका है स्कूल, और अब हम खाना बना रहे हैं और दाल चढ़ा के आए हैं, और यहाँ पे देखिए कुंजली का सब्जी बना रहे हैं फ्रेंड्स, और कुंजली का भुजिया बनाएंगे और आलू का अलग बनाएंगे, दो सब्जी बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे मेरा बर्तन रखा हुआ है, पहले खाना कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये जाएंगे ड्यूटी, तो खाना पहले बना लेते हैं, उसके बाद बर्तन वगैरह धोएंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये वीडियो एक दिन पहले का है, और ये लेके जा रहे हैं सरसों को,
तेल बनवाने के लिए, तो ये काफ़ी दिनों से काम रखा हुआ था क्योंकि तेल अब ख़त्म ही होने वाला था। तो ये काफ़ी दिनों से बोल रहे थे तेल बनवा के लाएंगे, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था फ्रेंड्स। तो कल जा कर के छुट्टी था स्कूल में ना, तो ये कल का ही वीडियो है। कल गए थे तेल वो बनवाने के लिए, जिसको पेराना हम लोग बोलते हैं तेल को गांव के भाषा में। और देखिए ये वहाँ से वीडियो बना करके लाए थे, तेल जहाँ पेरा रहे थे ना मिल में, तो वहीं से ये वीडियो बना करके लाए थे तेल किस तरीके से मशीन में बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स। तो हम भी ये मशीन कभी करीब से नहीं देखे थे, नज़दीक से नहीं देखे थे फ्रेंड्स, क्योंकि पहले मायके में ना पापा भी जाते थे तेल बनवाने के लिए, तो बस यही जानते थे। और कभी कभार आते थे साथ में मार्केट, तो बस बाहर से ही देखा करते थे मशीन जब छोटी थे, तो लेकिन कभी सामने से नहीं देखे थे। तो ये गए थे तो वहाँ से वीडियो लेते आए थे। और फ्रेंड्स घर आ कर के फिर देखिए यहाँ पर आज ये वो तो कल का था, और आज का ये वीडियो है सुबह का। ये तेल कर रहे हैं इसमें, मतलब बड़े वाले डब्बे से वहाँ मिल लेके गए थे ये वाला, और उससे फिर छोटे वाले डब्बे में रख के और फिर इससे डेली यूज करेंगे। खाना तो मेरा बन ही रहा है, साथ ही साथ हम इधर का काम कर लेते हैं। आंचल के पापा चले गए स्नान के लिए, और तब तक हम फूल तोड़ के रख देते हैं, तो नहीं तो उनको भी काफ़ी लेट हो जाता है। पौधा ना सूख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ बारिश हो ही नहीं रहा है, इतना तेज धूप, आँख नहीं खुल रहा है इतना तेज धूप। बहुत तेज़ धूप पड़ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। और आसपास में बारिश हो रहा है, पूरा बाढ़ आ रहा है। चल जा जाती है ना पढ़ने के लिए, उसके स्कूल साइड तो पानी आ गया है रोड पर, लेकिन पता नहीं यहाँ बिल्कुल इधर बारिश नहीं हो रहा, आसपास हो रहा है पर यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा, इतना तेज़ धूप क्या है, आँख नहीं खुल रहा है इसमें। और ये फूल देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और ये फूल भी अच्छा ही। फ्रेंड्स अभी दिन के 4:15 बज रहे हैं, आंचल चली गई ट्यूशन, और अयांश देव जा रहा है कपड़ा लेने के लिए। क्या जा रहा है? अयांश आ रहा है बर्थडे 10 सितंबर को, तो जा रहा है कपड़ा लेने के लिए लोकल मार्केट में ही, भागलपुर नहीं जाएगा, लोकल मार्केट में ही ले लेगा, क्योंकि फिर आके पढ़ाई करना है, एग्जाम भी है इसी बीच में। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब निकल जाएंगे 2 मिनट में। क्या कर रहा है? और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम लोग मार्केट आ चुके हैं, और यहीं से गणपति बप्पा का विसर्जन के लिए जा रहा था शायद मूर्ति, तो थोड़ा सा वीडियो हमने बना लिया। और यहाँ पे दुकान में आके हमने बता दिया है अपना पसंद, और रेंज अच्छा होता है पहले बताने से, टाइम वेस्ट नहीं होता है फ्रेंड्स। और इन्होंने दुकानदार भैया ने ये निकाला हुआ है कुछ कपड़ा, तो ये इनको पसंद नहीं आ रहा था अयांश के पापा को, क्योंकि क्या होता है ना जो भी जैसा शुरू से पहनते आ रहे हैं पहनते हैं या फिर पहनाते हैं तो वैसा ज़्यादा पसंद होता है, तो ये बंडी वाला नहीं पसंद कर रहे थे इसके पापा। और ये यहाँ पे देखिए फिर हम लोग जा रहे थे लौट के, तो बोले कैसा चाहिए फिर हम निकालते हैं, तो वही सिंपल में ही लेते हैं पर थोड़ा उसका लुक अच्छा हो, तो मिल चुका है। तो फ्रेंड्स मार्केट से हम घर आ चुके हैं, और अभी 6:30 लगभग होने चला है, संध्या पूजा का टाइम हो गया है फ्रेंड्स। तो फटाफट से हम आप सबको दिखा देते हैं कि अयांश के लिए कौन सा कपड़ा पसंद किए हैं फ्रेंड्स। देखिए ऊपर का ये है, और जब बर्थडे के दिन पहनेगा फुल दिखाई देगा, ऐसे एक हाथ से तो नहीं बन रहा अच्छे से दिखाने, तो ये लिए हैं फ्रेंड्स। और आंचल के लिए लेना था हाफ पैंट, वो होता है ना सटा वाला, इधर तो 2 दिए थे लेकिन उसको चाहिए था जो कि मतलब सटा हुआ पैंट रहे, ताकि खेलने में उसको अच्छा रहे, उसमें क्या होता है ना फैल पैंट रहेगा तो लूज रहेगा, तो उसको मतलब अगर कोई लड़की टच कर लेगी तो फिर वो आउट होने का चांस ज़्यादा रहेगा, तो वो सटा हुआ सोच रहे थे हो जाए, लेकिन वो मिला नहीं फ्रेंड्स यहाँ। तो खैर कोई बात नहीं, जो पहले दिए हैं इधर ही दिए हैं 2 महीना पहले 1.5 महीना पहले, तो क्या है ना उसको अंदर से टांग देंगे, किसी ना किसी तरह तो काम चलाना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह ही उसका है, और आज सर बोले कि ऐसा ऐसा लेना है जो कि सटा हुआ पैंट रहे, ताकि मतलब जल्दी आउट नहीं हो, नहीं तो कपड़ा भी अगर छू लेगा तो आउट होने का चांस ज़्यादा है ना, तो क्या कर सकते हैं उसको, क्या करेंगे अपना दिमाग लगा के बस उसको अंदर से टांकने का कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। और बस वीडियो का दिया यहीं पे करते हैं, फिर मिलते हैं आगे के आने वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय।